हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज बन सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो ड्यूबॉल में पासिंग फाउल जैसे हम थ्रो करते हैं, एक अपने प्लेयरों को बॉल पास करते हैं, उस टाइम उनसे फाउल्स हो जाती है, हमें पता नहीं पड़ पाती और रेफरी विशेष बजा देता है तब पता पड़ती है। दोस्तों, उसी के बारे में आज आपके सामने डिस्कशन करूँगा। और एक वो भी फाउल्स होते हैं जो ड्यूबॉल की जो लाइन टच लाइन हमारे जो पैर से टच अंदर लाइन के अंदर पैर चला जाता है, और जो डी होती है उसके अंदर पैर चला जाता है, डी जो लाइन होती है उसमें टच हो जाता है पैर, वो भी फाल्स ग्राउंड होता है। ड्यूबॉल का ग्राउंड होता है, उसमें जो लाइन होती हैं उसमें लाइन जैसे हमारा प्लेयर टच हमारा पैर है वो लाइन में टच हो जाता है, जैसे लाइन से टच हो जाता है वो भी फाल्स होता है। जो डी होती है उसमें हमारा पैर अंदर चला जाता है, वो भी फाल्स होता है। उसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो इसके ऊपर पहले बना दूँ, जो पासिंग फाल्स होते हैं इसके बारे में हमें पता नहीं पड़ता, इसके बारे में वीडियो बनाना चाहूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बाद में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करें। दोस्तों, आइए बताता हूँ ड्यूबॉल के फाउल्स कौन कौन से फाउल्स होते हैं। तो दोस्तों, हम अंडर आर्म थ्रो नहीं फेंक सकते हैं ड्यूबॉल में ऐसे करके, ये थ्रो इसमें फाउल्स होता है, रेफरी फाउल दे देगा, एक मिनट में बेसल बजा देगा, फाउल्स दे देगा, हमारे पास से बॉल छड़ी जाएगी, जो हमारे पास दूसरी टीम के प्लेयर हैं उसके पास बॉल चली जाएगी, वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ से फाउल्स हुआ है। तो हम ये थ्रो नहीं फेंक सकते अंडर आर्म थ्रो ये करके। और दोस्तों, अगर बॉल हमारे पास बॉल है और हम बॉल हमारे दूसरे साथी के पास बॉल है, हम ऐसे पकड़ रहे हैं ऐसे करके, और बॉल यहाँ टच हो जाती है कंधे पर शोल्डर पे, तो ये भी फाल्स होता है। और बॉल ऐसे ही हमारे पास आ रही है, ऐसे हम ये पकड़ रहे हैं करके, तो बॉल छूट के यहाँ टच होती है, ये भी फाल्स होता है। और जब सामने से बॉल आ रही है, हम पकड़ रहे हैं ऐसे करके, बॉल ऐसे चेस्ट में टच हो जाती है, छाती में, ये भी फाल्स होता है। और ऐसे हम बॉल ऊपर से आ रही है, ये पकड़ रहे हैं, ये धोखे से हम छूट के यहाँ सिर में टच हो जाती है, सिर में हेड में, तो ये भी फाल्स होता है। और बॉल हम ऐसे आगे से बॉल आ रही है, हम ये पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे बॉल लगी, ये भी फाल्स होता है। अगर हमारे यहाँ बॉल लग जाती बॉडी में, यानी बॉडी कहीं भी लग जाए बॉडी में, ये फाल्स होते हैं। बॉल हम अपनी बॉडी से टच नहीं कर सकते, ये केवल हैंड में, हथलियों में और फिंगरों में फंसा के ले सकते हैं ऐसे करके। बॉल ऐसे आ रही है, ये पकड़ लो, ये नहीं अपनी चेयर से हैंड टच कर दी, इसमें फाल्स होता है। ये भी पकड़ सकते हैं ये करके, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और बॉल थ्रो ये भी कर सकते हैं ये करके, और थ्रो ये भी कर सकते हैं ये ऐसे करके, और सामने ये भी फेंक सकते हैं थ्रो, और ये भी फेंक सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं फेंक सकते थ्रो ये करके, ये भी फाल्स होता है ये करके, ये भी फाल्स होता है। थ्रो ये फेंक सकते हैं ऐसे, हमारा ये हैंड है ये कर लिया ऐसे करके ये फेंक सकते हैं ऐसे, आई कॉन्टैक्ट से ऐसे ऐसे करके ये फेंक सकते हैं। और पीछे ऐसे हमारे प्लेयर ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे पकड़ के ये भी फेंक सकते हैं ये करके, ये पकड़ के ये जैसे हमारा पीछे प्लेयर आ रहा है, आगे अपॉइंटमेंट प्लेयर खड़ा हुआ है, तो ये फेंक सकते हैं, तो ऐसे भी फेंक सकते हैं, भी फेंक सकते हैं ऐसे करके, उल्टा हाथ करके, उल्टा हैंड करके ऐसे फेंक सकते हैं बॉल को। ऐसे अंडर आर्म थ्रो नहीं फेंक सकते, अलाउड नहीं होता, इसमें फाउल्स हो जाता है। और बॉल को पीछे करके ऐसे ये हाथ पकड़ लिया ऐसे करके भी फेंक सकते हैं ऐसे करके पीछे, जैसे बता दूँ बॉल को ये पकड़ के यूँ ऐसे भी फेंक सकते हैं बॉल को, जैसे हमारे पीछे प्लेयर है तो ऐसे भी फेंक सकते हैं। यही फाल्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी के फाल्स और पासिंग थ्रो के फाल्स, यही फाल्स होते हैं। और दोस्तों, ये फाल्स आपके अच्छा लगे लाइक, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बाद में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।